हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग के मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऑल इंडिया रिपोर्टर 1957 सुप्रीम कोर्ट 369 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रॉन्गफुल गेन का केस है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। सो इस केस के फैक्ट्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि कैडेट होते हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, वो अपिलांट है इस केस में। सो अपिलांट वॉज अ कैडेट ऑन ट्रेनिंग इन इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जोधपुर। वो कौन सी इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में कैडेट होते हैं? इन जोधपुर, ठीक है। अब फैक्ट्स आगे बढ़ते हैं कि विदाउट ऑब्जर्विंग एनी फॉर्मेलिटीज एंड प्री रिक्विजिट टू एन एयरक्राफ्ट एंड लैंडेड ऑन पाकिस्तान। अपिलांट ने क्या किया था? कोई भी फॉर्मेलिटीज पूरी किए बिना, ना ही किसी को अपनी हायर अथॉरिटीज को बताए बिना, उन्होंने जो एयरक्राफ्ट प्लेन है उसको पाकिस्तान में लैंड करवा दिया। जैसा कि लिखा है, कैडेट टुक ऑफ एन एयरक्राफ्ट विदाउट ऑथराइजेशन। किसी भी तरह की कोई परमिशन उन्होंने नहीं ली, किसी से भी नहीं पूछा, अपनी हायर अथॉरिटीज से इस बारे में बात नहीं की कि क्या वो ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। बस ऐसे ही टुक ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, अपिलांट एज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू इंडिया एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 आईपीसी। अपिलांट को अरेस्ट किया गया, इंडिया वापस लाया गया और प्रोसिक्यूट किया गया अंडर सेक्शन 379 आईपीसी, जो कि थेफ्ट का सेक्शन है। चोरी का इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर कि उन्होंने एयरक्राफ्ट चोरी किया और जाकर के पाकिस्तान में लैंड किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या हुआ इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कैडेट एंजॉयज अ रॉन्गफुल गेन। नाउ रॉन्गफुल गेन इज डिफाइंड इन सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी, सॉरी, हाँ, ये सेक्शन 23 आईपीसी। रॉन्गफुल गेन का मतलब ये होता है कि वैसे एक फुली फ्लेज्ड वीडियो इस पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आई हैव लिंक्ड इट डाउन बिलो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट में बता देती हूँ कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है। जब किसी अनलॉफुल मीन्स से आप ये ऐसी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो अपने पास, जिसपे आपका कोई लॉफुल राइट नहीं है, यू डोंट हैव एनी लॉफुल राइट, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, स्टिल आपने उसको अपने पास रिटेन किया हुआ है बाय एन अनलॉफुल मीन, तो उसे हम लोग रॉन्गफुल गेन कहते हैं। यहीं पर रॉन्गफुल लॉस की भी बात कर लेते हैं। रॉन्गफुल लॉस का मतलब वही उल्टा होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस पर्टिकुलर पर्सन की वो प्रॉपर्टी है, हम उसको उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहे हैं। तो इस केस में उस इंसान को क्या हुआ, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया। इस पर एक फुली फ्लेज्ड वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के में डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं टेकिंग आउट ऑफ एयरक्राफ्ट बाय द कैडेट डिप्राइव्ड रियल ओनर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एयरक्राफ्ट किसका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कैडेट जो थे, जो हमारे अपिलांट थे, वो लेकर गए बिना किसी अथॉरिटी से पूछे हुए, लेकर के गए एयरक्राफ्ट और उसको जाकर के कहाँ पे लैंड किया? पाकिस्तान में लैंड किया। ही हैज यूज्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि उनके नाम पर नहीं है, जो कि उनकी नहीं है, उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्पस के लिए उसे यूज किया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? रॉन्गफुल गेन। उन्हें उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसका रॉन्गफुल गेन हुआ, उन्होंने अनलॉफुली उसको रिटेन किया अपने पास, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तो रॉन्गफुल लॉस होगा भाई, जो प्रॉपर्टी उनको उस डे पे, जिस दिन पे चाहिए थी, उस दिन पर वो उड़ा करके लेके चले गए कैडेट जो है हमारे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो यही चीज लिखी है, एज अ रिजल्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ अपिलांट मेक्स गवर्नमेंट नॉट टू यूज देयर एयरक्राफ्ट लेजिटिमेटली ऑन दैट डे, सच एक्ट वॉज क्लियरली अगेन और लॉस बाय एन अनलॉफुल मीन्स। जिस दिन पर उनको यूज करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो एयरक्राफ्ट, उसी दिन पर जो हमारे अपिलांट है, जो हमारे कैडेट हैं, वो उसको उड़ा करके लेके गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर रॉन्गफुल लॉस हुआ और जो हमारे कैडेट हैं उनको रॉन्गफुल गेन के लिए रिटेन किया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।